प्रतापगढ़ में रानीगंज ट्रॉमा सेंटर बनने से लोगों को एक उम्मीद जगी कि अब हमारा इलाज समुचित और उच्च दर्जे का होगा। लेकिन ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। रानीगंज के दरियापुर कोट गांव निवासी रोहित उपाध्याय का आरोप है कि वह पिछले 3 दिनों से रेबीज के इंजेक्शन के लिए भटक रहा है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। रोहित उपाध्याय का कहना है कि उसे पागल कुत्ते ने काटा है। अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में बताया गया कि बुधवार को डॉक्टर आएंगे तब इंजेक्शन लगेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा ही चलता रहा तो मरीजों के स्वास्थ्य का जिम्मेदार कौन होगा। भैया मेरे को कुत्ते की सुई मिलने ही नहीं है, 2 दिन आया। हाँ 2 दिन आया था, तो उसके बाद बोल रहे हैं कब मंगल को लगेगा, बुध को लगेगा, अभी तक डॉक्टर भी नहीं आया बोल रहे। तो कुत्ते की सुई आपको नहीं दी गई, ना ही लगाई गई आपको? नहीं लगाई गई। तो आपको कुत्ता कब काटा था? मेरे को 3 दिन हो गए कुत्ते काटे। कुत्ता काटा 3 दिन? हाँ। वो कुत्ता पागल तो नहीं था? हाँ। पागल कुत्ते ने काटा? हाँ। तो हॉस्पिटल में कल भी आप आए थे? हाँ। तो क्या बोला गया? बोले बुध को और मंगल को, अब तभी सुई लगेगी। तो पर्ची आपने कटवाए थे? हाँ। कहाँ है पर्ची? शादी पर्ची दिया गया आपको? तो क्या बता रहे हैं आप? बोल रहे बुध को आएगा डॉक्टर तब सुई लगेगी। बुध को डॉक्टर आएंगे तब सुई लगेगी।